नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की, जेलेंस्की ने एक बार फिर से देश को किया संबोधित, रूसी सैनिकों को किया आगाह। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने देर रात एक बार फिर से देश को संबोधित किया और जोरदार भाषण दिया। उन्होंने रूसियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन ने रूसी हमले के तहत सभी प्रमुख क्षेत्रों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। साथ ही उन्होंने रूसी सैनिकों को आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले लोगों ने सोचा था कि वे यूक्रेन जा रहे हैं, जिन्होंने 2014-15 से पहले देखा था, जिसे उन्होंने भ्रष्ट कर दिया था, जिससे वे डरते नहीं थे, लेकिन अब हम बदल गए हैं। ये वही बदलाव है जो बीते 22 दिनों से रूस द्वारा किए जा रहे पूरी तरह से हमले के खिलाफ हम डटे हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के अस्पतालों पर भी हमला। अभी तक 43 हमलों में मारे गए 12 लोग और 34 घायल। आपको बता दें कि रूस की सेना अब यूक्रेन के अस्पतालों को भी टारगेट कर रही है। युद्ध के 22 दिन बीत चुके हैं और अब रूस की सेना ने यूक्रेन के अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों को भी निशाना बनाया है। इन पर उन्होंने कम से कम 43 हमले किए हैं और इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि विदेश मंत्रालय ने बताया, यूक्रेन में अभी भी 15 से 20 भारतीय हैं फंसे, उनको निकालने की कोशिश अभी भी है जारी। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने यूक्रेन से 22,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला है। चूंकि ये एक सतत प्रक्रिया है, कुछ लोग अलग अलग छोटी छोटी जगहों में हो सकते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार वहां अभी भी 15 से 20 लोग फंसे हुए हैं जो वापस आना चाहते हैं। यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम विशेष रूप से वर्षा में अपने दूतावास के माध्यम से किसी भी भारतीय नागरिक की मदद करवाना जारी रखेंगे जो वापस आना चाहते हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, चेतावनी, पाबंदियां और यूक्रेन को सहायता, रूस के खिलाफ G7 देशों का एक्शन प्लान। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक जंग जरूर छेड़ दी है, लेकिन अब ये जंग कब खत्म होगी, ये जवाब तो उनके पास भी नहीं है। जमीन पर स्थिति हर बीतते दिन के साथ खराब होती जा रही है। रूस भी अब पूरी दुनिया में और ज्यादा आइसोलेट हो चुका है। इसी कड़ी में अब G7 के नेताओं ने भी पुतिन के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। G7 के विदेश मंत्रियों ने एक साथ बैठक करके रूस को कड़ा संदेश दिया है, साफ कर दिया कि यूक्रेन में जो भी युद्ध अपराध किए गए हैं, उसके लिए सभी दोषियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस बात पर भी जोर दिया गया कि रूस द्वारा बिना किसी कारण, सिर्फ भड़काने के मकसद से यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू किया गया है, जिसमें कई मासूमों की जान भी गई है और लाखों लोग अपने ही देश को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में युद्ध को रोकने की बात कही गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि रूस यूक्रेन से जल्द अपनी सेना को वापस बुला ले। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, जेलेंस्की के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग, यूरोपीय नेताओं ने कमेटी को लिखा पत्र। आपको बता दें कि यूरोप के कई मौजूदा और पूर्व राजनेताओं ने नॉर्वे नोबेल समिति को 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को नामित करने का अनुरोध किया है। साथ ही नामांकन प्रक्रिया को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। नेताओं ने 11 मार्च को एक बयान में कहा था कि हम विनम्रतापूर्वक समिति से इस पर विचार करने का आग्रह करते हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, पुतिन ने कहा, डोनेस्क में हुए यूक्रेन के रॉकेट हमले के लिए पश्चिमी देशों ने मूंद ली है आंखें। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। तमाम देश इस आग को बुझाने के लिए दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मन चांसलर को बताया कि डोनेस्क में यूक्रेन ने रॉकेट से हमला किया, इसके लिए पश्चिमी देशों ने आंखें मूंद ली। इस प्रकार युद्ध अपराधों की अनदेखी की जा रही है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के दो क्षेत्रों, डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दे दी है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, यूक्रेन के शहरों पर तबाहतोड़ हमले कर रहे रूस, लवीव पर दाग दी है मिसाइल। आपको बता दें कि यूक्रेन के लवीव के मेयर ने बताया है कि सैन्य विमानों की मरम्मत करने वाले एक कारखाने पर हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी के साथ बसों की मरम्मत करने वाला कारखाना भी क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि कारखाने में हमले से पहले कामकाज बंद कर दिया गया था। यूक्रेन की वायुसेना के पश्चिमी कमान ने फेसबुक पर बताया कि काले सागर से लवीव पर मिसाइलें दागी गई हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, आम जनता के लिए खुशखबरी, साल में 2 बार मिलेगा मुफ्त LPG सिलेंडर। यहां पर दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जो प्रमुख उज्ज्वला योजना है, उसके तहत मुफ्त LPG सिलेंडर का वितरण केवल हिंदू समुदाय के लोकप्रिय त्यौहार जैसे कि होली और दिवाली पर वितरित किए जाने का कोई भी धार्मिक कनेक्शन नहीं होगा। इसके बजाय यूपी सरकार अब 2 अवधि के बैंड, जनवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर तक तय करने का फैसला कर रही है। मतलब साफ है कि जनवरी से मार्च तक 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा और अक्टूबर से दिसंबर
दिसंबर तक दूसरा सिलेंडर मुफ्त दिया। सभी के बीच दोस्तों गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2024 तक 15 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री में राशन और मुफ्त सिलेंडर। आपको बता दें कि जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब इस महीने के बाद भी जनता को फ्री में राशन मिलेगा। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन देने का ऐलान कर दिया है। चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सरकार एक बार फिर इस योजना को 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी कि 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। अब इस योजना के तहत सरकारी राशन यानी कि गेहूं और चावल के अलावा 1 लीटर तेल, 1 किलो चना और नमक भी दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हरियाणा में 10वीं और 12वीं की डेट शीट में फिर से हुआ बदलाव। आपको बता दें कि हरियाणा में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ गई है। दरअसल बोर्ड की तरफ से छात्रों की मांगों को लेकर डेट शीट में एक बार फिर से बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि बोर्ड की तरफ से दूसरी बार डेट शीट में बदलाव किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना का खतरा, चीन में बढ़ते संक्रमण से भारत हुआ सावधान, केंद्र ने राज्य को लिखी है चिट्ठी। आपको बता दें कि एक बार फिर कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी शुक्रवार के आंकड़ों को देखें तो 24 घंटे में कोरोना के 2528 मामले सामने आए। इस दौरान 149 लोगों की मौत हो गई, जो कल की तुलना में 89 अधिक है। और साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यूरोप के कुछ देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार भी सावधान हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के नाम चिट्ठी लिखकर उन्हें अलर्ट किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुश्किल में है इमरान खान, अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर विपक्ष के साथ जा सकते हैं पार्टी के 24 सांसद। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी के 24 सांसदों ने संकेत दे दिया है कि वे अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर विपक्ष के साथ जा सकते हैं। इनमें से कई सांसद प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही इस्लामाबाद के सिंध हाउस में शरण लिए हुए हैं। बागी सांसदों को डर है कि विपक्ष के साथ जाने के कारण सरकारी तंत्र उन्हें निशाना बना सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कीव के रिहायशी इलाकों में भी रूसी मिसाइलों का अटैक। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। शक्तिशाली रूस ने यूक्रेन के शहरों को तहस नहस कर डाला है। लाखों लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं और बचे हुए लोग बंकरों और सुरक्षित जगहों पर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बिना रुके लगातार यूक्रेन के बड़े शहरों पर बमबारी और गोलाबारी हो रही है। कीव के रिहायशी इलाकों में रूसी मिसाइलें और रॉकेट कहर बरपा रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के शहरों में हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। वहीं विश्व नेताओं ने यूक्रेन के स्कूलों और अस्पतालों समेत तमाम आवासीय क्षेत्रों में रूसी हमले की जाँच कराए जाने पर जोर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताज़ा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बन सकती है। वहीं विदर्भ के कुछ हिस्सों, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंतरिक उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में भी लू चल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि केरल और दक्षिण कर्नाटक में हल्की बारिश की संभावना है। पल की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिंदास खबरें। और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।